होता है मुझे समझ नहीं आ रही। होगा क्या? हम कब तक सवेरा से छुपकर अनिका की बातें करते रहेंगे? अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा, सवेरा की फिक्र मत कीजिए। मैं और सवेरा बहुत जल्द दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाह बेटे वाह, जैसे तुम प्लानिंग कर रहे हो सब वैसा ही होगा। जैसी तस्वीर तुम सबको दिखा रहे हो सब वही तस्वीर देखेंगे, जैसा तुम सोच रहे हो सब वही सोचेंगे, जैसा तुम देख रहे हो सब वही देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ, अनिका का फोन आया था, वो घर आना चाह रही है। अगर वो घर आ गई तो वो करेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक तो इस लड़की को चैन नहीं, कुछ दिन के आपने घर रह नहीं सकती, शादी से पहले भी तो वहां ही रह रही थी ना। बेटे मैके में वो कितने दिन रहेगी? पहले वो इतने दिनों से वहां पर रह रही है, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसे पता चल चुका है कि तुम इसी शहर में हो। यकीनन आपने बताया होगा। मेरा दिमाग खराब है, मैं बताऊंगी? सुल्ताना भाभी ने मॉल में देखा है तुम्हें अपनी आंखों से। अम्मी, तो आप कह देते कि वो मुताहिर नहीं था, कोई और था। अच्छा मैं कह देती कि वो मुताहिर नहीं था और तुम समझ रहे हो कि अनिका मेरी बात मान जाएगी? वो बेवकूफ नहीं है। मुताहिर मैं कह रही हूँ तुम्हें, इस बात को संभाल लो वरना बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो क्या चाहती हैं? जाकर अनिका को सब कुछ बता दो और वो बड़ी हंसी खुशी कहेगी कि वाह मुताहिर साहब, अच्छा हुआ आपने एक और शादी कर। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर सवेरा को जरा सा भी शक पड़ा कि मैं पहले से शादीशुदा था, तो जिस घर में आप रह रही हैं ना, और जितने आराम से आप रह रही हैं, मैं और आप दोनों सड़क पर आ जाएंगे। मैं भी देखती तुम कब तक दोनों को एक दूसरे से छुपा कर रखते हो। अच्छा अम्मी ठीक है, बस भी कर दें। बाकी अभी मुझे टेंशन ना। एक तो इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, क्या करूं मैं इस लड़की का।